अब मेरी सैलरी रफली रफली अगर मैं स्टूडेंट जॉब्स के हवाले से सैलरी वगैरह और कितना टाइम मैं करता हूँ यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन टू आई के व्लॉग्स। आज की जो वीडियो है इसमें आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि यहाँ के स्टूडेंट जॉब्स के हवाले से, क्योंकि अभी मैं जॉब एजेंसी में ही जा रहा हूँ, वहाँ पर मेरा कॉन्ट्रैक्ट है तो मैंने वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करना है। और मेरी जॉब अभी हुई थी तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा, सैलरी वगैरह और कितना टाइम मैं करता हूँ यहाँ पे जॉब, और स्टूडेंट कितना टाइम जॉब कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन अभी क्योंकि विंटर स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, अभी भी तकरीबन टेम्परेचर 2 या 3 पे चल रहा है, क्योंकि अभी हवा बहुत ज़्यादा चल रही है ठंडी ठंडी, और सुबह तो टेम्परेचर ज़ाहिर है माइनस पे चला गया था। तो इस वजह से कौन सी जॉब्स विंटर में करनी चाहिए और कौन सी समर में करनी चाहिए और किस में अर्निंग ज़्यादा होती है, ये सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले अभी मैं जाऊँगा स्टूडेंट एजेंसी में, जॉब एजेंसी जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पर मैं कॉन्ट्रैक्ट करके आता हूँ और फिर आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। तो लेट्स गो। अभी इस टाइम मैं जॉब एजेंसी में आ चुका हूँ, तो अभी अंदर चलते हैं और उनसे बात करते हैं थोड़ी सी। आई सेंड द डॉक्यूमेंट टू यू। Okay, can I see my details, please? Can I see the report, please? Yeah, sure. And the residence permit. Thank you. And you said that you have already sent your documents, yeah, right? Okay. I have to visit on Tuesday, but you were off, so I contacted an email as well. And then I had to come here today. Yes, we had a little bit of problems with the system. Mm-hmm. Yeah, yeah, I got that problem. And it just completely shut down. Mm-hmm. Okay. Can you send me here, please, inside? Sorry, inside the box. Yes. Mm-hmm. Okay. Yes. Thank you very much. And can you pay the 1,000 for it? Yeah. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye bye. तो ये हमारा हो चुका है साइन, हमने करना था थोड़ा सा डॉक्यूमेंट से, और वहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको चल के भी बताऊँगा इसकी डिटेल थोड़ी सी, सैलरी वगैरह और काम कैसे होता है और वो सारी चीज़ें। तो अभी मैं चलता हूँ घर, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सर्दी है यहाँ पे। मैं तो नॉर्मल ट्रैक सूट में आ गया था लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी, जब रास्ते में आ रहा था तो बहुत ज़्यादा सर्दी भी लग रही थी। तो अभी जल्दी जल्दी चलते हैं बस। इस टाइम मैं वहाँ से आ चुका हूँ और अभी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ जॉब के बारे में कि यहाँ पे किस तरह से जॉब्स होती हैं और आपको कितना टाइम अलाउ होता है स्टूडेंट को जॉब करना यहाँ पे, और सैलरी वगैरह कितनी होती है, वो सारी चीज़ें। तो इस तरह है कि सबसे पहले जो स्टूडेंट को अलाउ होता है टाइम, वो होता है 24 आवर्स पर वीक, यानी कि 96 आवर्स पर मंथ, ये टाइम अलाउ होता है आपको। और जो जॉब के सैलरी के जो रेट होते हैं वो स्टूडेंट जॉब्स के लिए 1000 से स्टार्ट होते हैं और 2000 के करीब करीब जाते हैं, डिपेंड करता है आप किस सिटी में हैं। अगर छोटे सिटी में ऑब्वियसली तो वहाँ पे आपको कम पे मिलती है और जॉब ऑप्शंस भी कम होते हैं, और अगर बड़े सिटी में हैं तो जॉब ऑप्शन ज़्यादा होते हैं और सैलरी भी अच्छी खासी होती है। तकरीबन पिछले साल से इन्होंने थोड़ा सा रूल चेंज किया था टैक्स के बारे में। सबसे पहले तो हमें तकरीबन 15% यहाँ पर टैक्स देना पड़ता था, लेकिन पेंडेमिक की वजह से और वो सारी चीज़ों की वजह से इन्होंने थोड़ा सा रूल चेंज किया था। एज़ पर आई रिमेंबर 24 ईयर्स से जो नीचे लोग हैं उनको टैक्स नहीं देना पड़ता अब, या 25 ईयर्स, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन जो उससे ऊपर हैं उनको टैक्स देना पड़ता है इसका। और आप जॉब कर सकते हैं, जॉब करने का तरीका ये होता है कि आप जॉब एजेंसीज़ में जाते हैं या आप डायरेक्ट किसी रेस्टोरेंट हो गया या कोई और चीज़ होगी वहाँ पर जाते हैं और उनसे पूछते हैं, अगर उनके पास जॉब है तो वो फिर आपको बताएंगे कि फ़लाँ जॉब एजेंसी में चले जाओ, वहाँ रजिस्ट्रेशन करो और जॉब स्टार्ट कर दो, इस तरह से जॉब स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे पास जॉब थी पहले, लेकिन अभी सर्दियां हुई हैं और अभी स्नोफॉल भी कुछ अरसे में शुरू हो जाएगी। अब सर्दियां इतनी ज़्यादा हैं कि मेरी जो जॉब थी वो सारी आउटगोइंग जॉब थी, लेकिन यानी कि मैं बाहर ही जॉब करता था ज़्यादा टाइम, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा है कि सर्दियों में अब मैं जॉब तो नहीं कर पाऊँगा इस तरह से बाहर, क्योंकि स्नोफॉल हो जाएगी, फिर रोड बहुत स्लिपरी हो जाते हैं और वो सारी चीज़ें होती हैं और सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर वहाँ पर बंदा जॉब नहीं कर सकता, बंदा चाहता है कि भाई अंदर ही रहे और ये सारी चीज़ें हो जाएँ। तो इस वजह से मैंने सोचा है कि मैं अभी दूसरी जॉब में अप्लाई करता हूँ, उसका मेरे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस भी था, तो मैंने अप्लाई किया और वो मेरी जॉब है जो है वो
वर्क फ्रॉम होम है और वो सारी समझो कि ऑनलाइन ही जॉब है और कंप्यूटर पे करनी होती है सारी, तो ये जॉब अब मैंने ली है और अभी मेरी इसकी ट्रेनिंग भी मुकम्मल होगी, अभी थोड़ी देर में मेरी शिफ्ट भी स्टार्ट होने वाली है। इस वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कंप्लीट करूँगा इन चीज़ों को क्योंकि मैंने शिफ्ट पे बैठना है अभी थोड़ी देर में। तो ये जॉब इस तरह है कि इसकी जो मेरे पास ऑप्शन है करने का वो वर्क फ्रॉम होम ही है और सारा कुछ लैपटॉप पे ही होगा और मुझे ये जॉब पसंद भी है इस वजह से भी क्योंकि मैं यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस भी है इस चीज़ का, तकरीबन एक साल का एक्सपीरियंस है इस जॉब का, तो इस वजह से मुझे इसका कोई इशू भी नहीं है। तो मैंने ये जॉब इस वजह से भी ली है, लेकिन आल्दो कि मेरी जो पहली जॉब थी उसमें सैलरी ज़्यादा थी लेकिन यहाँ पे थोड़ी सैलरी कम है, लेकिन सैलरी कम होने का फ़ायदा ये है चलो कि मैं घर से बैठ के जब दिल चाहेगा स्टार्ट कर दूँगा। अच्छा, जो मेरी पहली जॉब थी उसमें मुझे कोई शिफ्ट वगैरह नहीं भेजनी पड़ती थी, जब मैं अवेलेबल हूँ मैं स्टार्ट कर सकता था और उसकी जो सैलरी है वो मैं आपको पर आवर्स के हिसाब से बता देता हूँ, रफली 1500 से 2000 के करीब तकरीबन बन जाती थी बहुत आसानी से, 1500 से 2000 के दरमियान बहुत आसानी से, और इससे ज़्यादा भी हो सकती थी, वो सीज़न पे भी डिपेंड करता है फिर। लेकिन ये वाली जॉब है इसकी सैलरी थोड़ी सी कम है उससे, ऑब्वियसली मुझे टैक्स नहीं देना पड़ता लेकिन जिनको टैक्स देना पड़ता है उनकी सैलरी फिर ज़ाहिर कम होती है। तो अब मेरी सैलरी रफली अगर मैं आपको बता देता हूँ तो 6 फिगर में सैलरी है मेरी यहाँ पर इस जॉब में, और मेरा काम है 24 आवर्स पर वीक का टोटल, और अगर इससे ज़्यादा मैं करूँगा तो ऑब्वियसली मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे और अगर कम करूँगा तो कम मिलेंगे। ये जो 6 फिगर मेरी सैलरी है टैक्स फ्री है, तो इस वजह से इस पर टैक्स वगैरह है नहीं और ये उससे ऊपर भी जा सकती है। अब जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं उनको आप जितना ज़्यादा ऊपर लेके जाना चाहते हो लेके जा सकते हो क्योंकि अभी सीज़न उनका चल रहा है, तो इस वजह से वो हमें एक्स्ट्रा शिफ्ट भी ऑफर कर रहे हैं। तो अभी डिपेंड करता है कि मैं एक्स्ट्रा शिफ्ट करता हूँ या नहीं करता हूँ, ऑब्वियसली मेरी अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है, मेरा दिल चाहेगा तो मैं करूँगा, नहीं चाहेगा तो सिर्फ 24 आवर्स पर वीक ही करूँगा। और जो भी मैंने ये सैलरी वगैरह बताई है ये ऑब्वियसली यहाँ की करेंसी के मुताबिक है, पाकिस्तानी करेंसी में आप खुद ही इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ये वर्क फ्रॉम होम है मतलब मैं घर बैठे ही करूँगा इसको। लेकिन इसका तरीका ये होता है कि आपने यहाँ पे शिफ्टें अपनी भेजनी होती हैं, यानी आपने अवेलेबिलिटी अपनी उनको शो करनी होती है कि मैं इस दिन अवेलेबल हूँगा, इस दिन इतना टाइम अवेलेबल हूँगा। तो इस तरह से ये जॉब काम करेगी और मैंने स्टार्ट कर दी हुई है तकरीबन, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग हो चुकी है इसकी ऑलरेडी, मैं जानता हूँ ये सारा काम, तो मुझे ट्रेनिंग में इतना इशू भी नहीं था बिल्कुल, तो इस वजह से मैं इजी हूँ, आराम से बहुत इजीली हो जाती है जॉब, काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सारा ऑनलाइन काम है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आप सबके मैंने क्वेश्चंस इसमें कवर किए होंगे और आपको इन्फॉर्मेशन भी दी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।